नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो पेपर सिलेक्शन ऑफ फॉर सेमेस्टर सेकंड, जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर सिलेक्शन है वो फॉर्म किस तरीके से भरना है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल में जाके डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लें। तो चलिए चलते हैं क्रोम में। क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, फ़ोन में भी इसी तरीके से होगा, बस आपको डेस्कटॉप मोड अनेबल कर लेना है। यहाँ पे लिखना है डी यू सोल गूगल पे जाके, कोई से भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है डी यू सोल, और जैसे ही करेंगे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस थोड़ा नेट स्लो है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सबसे ऊपर में स्टूडेंट लॉगिन कॉर्नर में और एक स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। आप दोनों में से कहीं भी क्लिक करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने बारकोड और सोलो नंबर डाल के लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन पेपर फॉर्म सेमेस्टर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके का। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी स्टडी एंड अप टू, आपने कहाँ तक हिंदी पढ़ा है, तो मैंने तो 12th क्लास तक पढ़ा है, आपने भी 12th क्लास ही तक पढ़ी होगी। इंग्लिश आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो 12th क्लास तक। और फिर ये पूछ रहा है सब्जेक्ट, मतलब कोर था क्या था आपके पास, जो भी था आप इसमें भर देना। वैसे मेरे पास कोर ही था, ठीक है, तो मैं कोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, तो परसेंटेज मुझे पता नहीं तो मेरे को देखना पड़ेगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे तमिल मैंने पढ़ा नहीं है तो इसे नोन कर देते हैं, और उर्दू मैंने पढ़ा नहीं है तो इसे नोन कर देते हैं, और पंजाबी मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखने को बोल रहा है कि कितने हैं, तो एक सेकेंड में इसकी एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं, मैंने देख लिया है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे परसेंटेज इसका करें तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा अपने 12th के मार्कशीट में, उसमें लिखा हुआ होगा 100 में से हैं तो जितने नंबर आए उतने आपके परसेंटेज हुए, ठीक है। आप लोग देख लो सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से भरा है, आप भी इसी तरीके से करें बिल्कुल। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है ग्रीन बटन पे, फिर आपके पास रियल का आएगा। अब ये है मेन, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखो आपके पास दो तो होगी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं। अब आप खुद पढ़ सकते हो, या तो आप हिस्ट्री ले लो या तो आप इकोनॉमिक्स ले लो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स हार्ड होती है, हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है पहले भी। गाइस मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मैं इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं ले लूँगा। ये आपको जो अच्छा लगता है आप वही ले, चिंता ना करें कि अगर हम एक बार ले लेंगे तो दूसरी बार चेंज नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन मेरी सजेशन मानो तो आप कुछ भी ले लो यार, आपका जो दिल करे आप वो ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल सबमिटेड का आपको मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है गाइस, अब हम देखते हैं जो मेरा डैशबोर्ड है वहाँ पे कुछ दिखा रहा है या नहीं। तो चलते हैं दूसरे टैब में, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ अभी भी दिखा रहा है, तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंटिन्यू। इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं ये अभी भी हटानी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्या रहा है, ऑलरेडी सबमिट कर दिया है आपने, देख सकते हैं आप ऑलरेडी सबमिटेड। इफ़ यू वांट टू चेंज प्लीज़ सबमिट बिलो फ्रॉम अगेन, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।